हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह इन खूबसूरत पहाड़ों से एक और नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, सुबह के 8 बजे का समय हो रहा है और फिलहाल मैं जा रहा हूँ कसैली मार्केट को। जल्दी जल्दी कसैली मार्केट को जाता हूँ, फटाफट घर पर आता हूँ, उसके बाद मुझे निकलना है धानाजुली के लिए। सो अपने ब्लॉग की शुरुआत ही कर लेते हैं और सबसे पहले तो आपको मौसम दिखाता हूँ आज मुक्तेश्वर का। यह है गाइज मॉर्निंग का मौसम और ना आज तो धुंध भी नहीं दिख रही है पहाड़ियों का, बहुत कम नाम मात्र, और धूप आ रखी है एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा लग रहा है फरवरी का महीना आ गया। तो दोस्तों, इस खूबसूरत मॉर्निंग मौसम के साथ ही ना आज के ब्लॉग की शुरुआत ही कर लेते हैं। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, पहाड़ों के ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं कसैली मार्केट, फटाफट वहां से वापस आते हैं, फिर चलेंगे अपना धानाजुली के लिए। तो दोस्तों, अभी समय हो रहा है करीब 10 बजे का और फाइनली कसैली मार्केट जाके घर आके छोटे मोटे अपने काम निपटा के मैं रेडी हो चुका हूँ धानाजुली जाने के लिए और घर से आ भी गया हूँ। आज भी धानाजुली ही जाना है। परसों धानाजुली गए थे हम नीचे वाले गाँव में, तल्ली धानाजुली उसको बोला जाता है। आज हम जाएंगे धानाजुली के ऊपर वाले गांव में, मनाघेर जगह की नाम है। तो चलते हैं और वहां से भी ना काफ़ी औसम व्यूज देखने को मिलते हैं और कैसा रहता है सफ़र, क्या कुछ माहौल बना हुआ है धानाजुली मनाघेर में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ना मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, अभी हरीश भाई भी मेरे साथ आने वाला है और एक उमेद भाई है वो भी मेरे साथ आने वाला है। तो 3 लोग हम जाने वाले हैं यहाँ से धानाजुली मनाघेर। और गाई जी है मौसम अभी का, मस्त धूप आ रखी है, आसमान बिल्कुल साफ है, नज़ारे काफ़ी कमाल के। तो दोस्तों, हरीश भाई भी आ चुका है मेरे साथ और हम दोनों भाई ना घर से जा रहे हैं सीधे कसैली मार्केट की तरफ को और वहां से चलेंगे फिर धानाजुली के लिए। और हरीश भाई सिर में ले जा रहा है गेहूं चक्की में देने के लिए। तो इसका ना गाय के लिए बनाया जाएगा जो ये गेहूँ हैं, तो इनको ये लेके जाएगा चक्की और उसके बाद चलेंगे हम लोग मनाघेर धानाजुली की तरफ। और मौसम काफ़ी मस्त हो रहा है अभी, बर्फ़बारी की कोई उम्मीद नहीं, कोई आसार नहीं, आसमान बिल्कुल नीला, बादल बीते कुछ दिनों पहले तो बादल भी आ रहे थे आसमान में, अब तो बादल आना भी बंद हो चुके हैं। तो चलो जी, हम पहुंच गए हैं कसैली मार्केट जो चक्की है उसके पास में पहुंचने वाले हैं। सामने जो ये घर देख रहे हैं इसी में है चक्की, तो इसके पास पहुँच जाते हैं। जो ये गेहूँ लेके आ रखा है हरीश भाई, इनको रखेंगे चक्की के अंदर और उसके बाद चलेंगे सीधे इस तरफ को, काफ़ी दूर जाना है हमने। और परसों कोई अलग जगह गए थे धानाजुली में ही, आज कोई अलग जगह में जाएंगे। इस जगह का माहौल कैसा है और यहाँ से कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं वो तो वहीं जाके पता चलेगा, जहाँ जाना है ना, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, बाकी तो गाइस वहीं जाके पता चलेगा। तो हरीश भाई तो घुस चुका है चक्की के अंदर और ये है सीन इस चक्की का, देख रहे हो कितने कट्टे वट्टे रखे हुए हैं, मतलब गेहूँ के प्रताप दा लगे हुए हैं गेहूँ पिसाई में। और प्रताप जी बढ़िया बना दो बीच में, ठीक है। तो ये है चक्की जिसमें आटा वाटा पीसा जाता है, मसाले पीसे जाते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर काम करे जाते हैं, मडवे का आटा, मक्का का आटा, ये सब यहाँ पर पीसे जाते हैं। तो हरीश भाई लेके आया है 20 केजी और उस पर अपना नाम हम लिख जा रहे हैं, ये लोग यहाँ पर पीस देंगे तो फिर हमें बता देंगे, फिर हम लेके चलेंगे इसको यहाँ से। तो गाइस फाइनली ना कसैली मार्केट पहुंच के मैंने गाड़ी वाड़ी निकाल दी और उमेश भाई भैया भी आ चुका है, हरीश भैया और मैं तो पहले से साथ में ही है, तो हेलमेट पर मैंने पहन ली, गाड़ी बाहर निकाल कर थोड़ी देर गर्म कर रहा हूँ, उसके बाद निकलते हैं सीधे। ये लोग भी एकदम रेडी हो चुके हैं, थोड़ी सी गाड़ी गर्म करते हैं, ठंड के दिन हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे। बाकी ये है माहौल कसैली मार्केट का, फ़िलहाल बालाजी रेस्टोरेंट के पास में हूँ मैं और यहाँ से ना ये वाली रोड पर जाना है ऊपर वाली, सामने मुक्तेश्वर घाटी का हिमालय देखने को मिल रहा है ये देखिए। तो हम निकलते हैं इस वाली रोड से। तो फ्रेंड अभी पहुंच चुके हैं हम भटेलिया और भटेलिया को क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद आ जाएगा लेटीबुंगा गांव, उसके बाद सुंदरखाल गांव, फिर आएगा धानाजुली वैंड। तो इस रोड को क्रॉस करते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पे हम लोग को आना था, करीब आधा घंटा लग गया हम लोग को, बहुत सारी यहां पे गाड़ियां पार्क की हुई हैं और भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और इस जगह इसलिए आए हैं ना, हमारे यहां पे रिलेटिव रहते हैं, उनके यहां है वार्षिक श्राद्ध, तो निमंत्रण आ रखा है तो मानने के लिए हम वहाँ से यहाँ आ रखे हैं। सामने काफ़ी ज़बरदस्त हिमालय देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना इस एरिया से काफ़ी बढ़िया हिमालय दिखता है और काफ़ी बढ़िया व्यूज आते हैं इस एरिया से, काफ़ी ठंडी जगह है, तो सामने के हिमालय दर्शन हो गए। अब चलेंगे हम इस रास्ते से नीचे को और जाना थोड़ा सा नीचे है हम लोगों ने, और भी लोग आगे से धीरे धीरे जा रहे हैं नीचे को।
तो एकदम गांव के माहौल में आ चुके हैं हम लोग, और आगे से भी कुछ महिलाएं जा रही हैं, नीचे से भी जो निमंत्रण में हैं वो लोग आ रहे हैं ऊपर को। और क्या व्यूज हैं, क्या नज़ारे हैं, गांव का माहौल काफ़ी अच्छा है, हिमालय दर्शन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, एकदम मस्त माहौल देखने को मिल रहा है, एक नया माहौल देखने को मिल रहा है। तो है नहीं दोस्तों, नीचे वाला घर है वहाँ पर हम लोगों ने जाना है, उस घर के ऊपर आ चुके हैं, कुछ लोग तो नीचे से भी ऊपर को आ रहे हैं निमंत्रण मान के, और हम पहुँच जाते हैं उस घर में, फिर वहाँ से भी ये शानदार जो व्यूज हैं इनको कैप्चर करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। गाँव का माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, हिमालय व्यू के तो क्या कहने। तो लो जी दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस घर में जहां वार्षिक श्राद्ध है, बहुत सारे यहां पर लोग आ रखे हैं, नीचे खाने का प्रोग्राम है, तो इसके बाद खाना वाना भी खाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। खाना यहां पर बन रहा है, वहां पर खाना खा रहे हैं, एक अलग गांव का माहौल, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक नया गाँव। और यहाँ पर ना गाँव की महिलाएँ लगी हुई हैं रोटी बनाने में, देख रहे हो कैसे सब इकट्ठा यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार हाथों से रोटियाँ बना रही हैं, यहाँ पर हो रहा है खाने का प्रोग्राम। तो दोस्तों, खाना वाना खाने के बाद ना आसपास का जो व्यू है, सामने देख रहे हो खेत, एकदम सीढ़ी नुमा खेत, नीचे से ऊपर तक सारे खेत हैं, और लगता है गेहूं की बुआई उन खेतों पर की हुई है। अलग माहौल, अलग कुछ नया देखने को मिला आज। तो फ्रेंड, अभी समय हो रहा है करीब दोपहर के 2 बजे का, और फाइनली ना इस घर से जहाँ पर हम लोग आए हुए थे वहाँ से अब निकल चुके हैं हम अपने घर की तरफ को। इस घर को करते हैं अब बाय, और क्या व्यूज हैं फ्रेंड यहाँ से, क्या नज़ारे हैं, एकदम गांव का माहौल, रोड से अलग, रोड का आसपास कोई निशान नहीं, और सामने खतरनाक जंगल, क्या जंगल है फ्रेंड, और इन खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से होते हुए अब हम लोग चलेंगे सीधे पहले रोड पे, रोड से चलेंगे फिर सीधे अपने घर को। चलते चलते सामने देखें क्या नज़ारा है, गजब। ये जगह ऐसी है ना, हिमालय इतना क्लियर दिखता है, और रेंज देखिए, सबसे बढ़िया हिमालय देखने को मिलता है। अभी तो सर्दियों के दिन हैं, लेकिन जब मौसम साफ रहता है बहुत अच्छा हिमालय यहाँ से देखने को मिलता है, बहुत अच्छे हिमालय दर्शन यहाँ से होते हैं, एकदम मुँह के सामने नज़र आता है। तो दोस्तों, एकदम गांव की लाइफ को फील करते हुए हम लोग चले जा रहे हैं आगे की तरफ, और थोड़े से ऊपर रोड है, और फिर चलेंगे रोड से अपनी बाइक लेके सीधे कसलिंग मार्केट अपने घर की तरफ को। पहली बार मैं भी इस गांव में आ रहा हूँ, और आज तक कभी पहले यहाँ पर आया नहीं था, पहली बार आना हो रहा है। और आसपास जो ये खेत देख रहे हैं ना, इतने हार्ड खेत है ना, इन खेतों की खुदाई आमतौर से हाथों से नहीं हो पाती है, बहुत टफ रहता है, बहुत बहुत समय लग जाएगा इन खेतों को खोदने में, क्योंकि जो खेत खोदने से जो डेले बने हुए हैं ना, ढेरी बनी हुई है मिट्टी की, एक साथ देखें, कोई मैदान मिट्टी नहीं है, एकदम डेले बने हुए हैं, डेले, बहुत हार्ड मिट्टी है यहाँ की, और यहाँ के लोगों की असली मेहनत होती है, इन खेतों को खोदने में पता चलता है ये है असली खेत। गाइस, फाइनली वहाँ से निकलने के बाद ना हम आ चुके थे मेन रोड में, अभी हम आ रहे हैं दूसरे रास्ते से, और यहाँ पर हम इसलिए रुक गए, यहाँ पर जो इस गांव का सिंबल है आई लव मनाघेर, जैसे आई लव मुक्तेश्वर, आई लव नैनीताल आपने देखा होगा, वैसे ही यहाँ पर सामने आई लव मनाघेर का सिंबल है, यहाँ पर लोग रुकते हैं, फ़ोटोज खिंचाते हैं, क्योंकि यहाँ से ना एक तरह का व्यू पॉइंट है, काफ़ी शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं सामने के, लुक एट द व्यू गाइज। और मेन रोड है, चंपावत को ये रोड जाती है, तो गाड़ियाँ भी लगातार जा रही हैं, बस आगे फ़िलहाल, तो मैंने भी गाड़ी सामने में रोकी हुई है, और फ़िलहाल इस खूबसूरत मोमेंट, इस खूबसूरत व्यू को कैप्चर करने के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पर रुक चुके हैं, मैं भी यहाँ पर रुका हुआ हूँ, बाकी जो मेरे साथ हैं हरीश भाई और उमेद भाई, ये दोनों अपनी फ़ोटोज़ खिंचाने में व्यस्त हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया से सूट ले रहा हूँ। इस जगह की खास बात यह है ना, एक तो मेन रोड, ऊपर से लगा हुआ ये व्यू पॉइंट, और गाइस बहुत हाई फाई प्रोफाइल, हाई फाई प्रॉपर्टी इस जगह पे, जो आपने नाम सुना होगा इंडस वैली, वो ये रही, नीचे पूरा इनका ये एरिया फैला हुआ है, क्योंकि ये जगह इतनी ख़ास है ना, यहाँ से व्यू काफ़ी औसम है, सामने मस्त जंगल और दूर हिमालय का शानदार बढ़िया सा व्यू। आजकल तो सर्दियों के दिन है, फिर भी हिमालय दर्शन हो रहे हैं यहाँ से क्लियर। ये देखें क्या नज़ारे हैं गाइज,
तो मज़ा आ गया इस रोड में घूमते हुए और यहाँ से जो व्यू आ रहे हैं ना उनको कैप्चर करते हुए। और रोड भी काफ़ी लंबी है आपकी, चंपावत और पिथौरागढ़ ये जाती है, तो हाईवे रोड है एकदम। और धानाचुली जो बैंड है यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर के आसपास में है, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, इन शानदार पलों को कैप्चर करते हैं, उसके बाद निकलेंगे सीधे घर की तरफ। गाइज बहुत देर ना यहाँ पे फोटो लेने के बाद फिलहाल यहाँ पे से निकलने की आप तैयारी हो चुकी है, तो सभी भाई फोटो मस्त खींचा के यहाँ से आप निकलते हैं अपने सीधे घर को। धीरे धीरे मौसम भी ख़राब हो रहा है, आसमान में बादल आ गए हैं और इस जगह में ठंडा भी काफ़ी होता है। तो गाइज करीब 8-9 किलोमीटर और यहाँ से हमारा रह गया है। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच चुके हैं और आज के दिन की मैं काम हो गई है पहाड़ों में, आज खूबसूरत नजारे आपके लिए। तो मैं करता हूं अपने ब्लॉग को एंड, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट में बताइएगा। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।